विशाल भव्य कांवड़ यात्रा का जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। पूजा और अभिषेक से भोले को रिझा रहे हैं भक्त। पूर्व शिक्षा राज्य नसीम अख्तर और शहर कांग्रेस के सचिव जूलियस ने झंडी दिखाकर किया कांवड़ यात्रा को रवाना। गणपति कॉलोनी स्थित शक्तिनगर आम के तालाब की पाल के ऊपर स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर से शनिवार रात को विशाल भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, समाज सेवी जगदीश प्रसाद यादव, शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव जूलियस व नाका मदार विकास समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह राठौड़ ने झंडी दिखाकर कांवड़ियों को पुष्कर सरोवर से जल लाने के लिए रवाना किया। कार्यक्रम के संयोजक तरुण निर्वाण ने बताया कि पुष्कर सरोवर से कांवड़ में जल लेकर लौटे युवा संगठन शक्तिनगर के कांवड़ियों का फवारा चौराहा, गुलाबबाड़ी फाटक पर जग्गूबाई द्वारा व लोहारों की पुलिया पर लोहार विकास समिति और ओकार नाडी मोहन भाई समेत अन्य लोगों द्वारा पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्कर से कांवड़ लाकर आम के तालाब की पाल पर स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर पर पिपलेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। इस दौरान कांवड़ियों में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल थी। इसके बाद शिव मंदिर में शहजदारा का आयोजन किया गया, जहां भक्तों द्वारा भोलेनाथ को मंत्र उच्चारण के साथ जल अभिषेक किया गया। पूजा अर्चना के बाद शाम प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान पत्रकार शिवराज भाटी, विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, महावीर सिंह राठौर, घनश्याम भाटी, गिरिराज भाई, कपिल निर्वाण, सनी भाटी, चेतन राजू, लक्ष्मी नारायण, अमर सिंह, अनिल शर्मा, पंडित विनोद शर्मा समेत अन्य क्षेत्रवासी रहे।